हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेक 786 व्लॉग। आज मैं आपको खालिद बिन वलीद रोड पे घुमाऊंगा, और इंडिया से एक मेरा दोस्त आया हाउस ड्राइवर, आपको उससे भी मिलवाऊंगा, उसका रूम भी बताऊंगा, और कितने पैसे लगे उसको आने में और किस तरीके से वो आया, वो सब अपन उससे बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा। आप वीडियो देखिए, ये खालिद बिन वलीद से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ, लेट्स गो। ये खालिद बिन वलीद साउथ के अंदर है। मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे होंगे आप, ये दुकानें, ये सारी पेंट की दुकानें, पेंट है, और ये ग्लास की दुकानें, इधर आपको सारी पेंट की दुकानें मिलेंगी। आगे कैमरा है इसलिए मैं रख देता हूँ फोन। इधर इंजाज है, राजी अल थवल है, रियाद है, बैंक जिससे पैसा पहुंचाते हैं। आपको इधर तीनों चारों बैंक मिलेंगे, इंजाज, राजी अल थवल, रियाद। मेरे पीछे जो गाफकी स्ट्रीट है वहां पे आपको क्विक पेबैक का भी है, यानी पास में ही सब कुछ। ये खालिद बिन वलीद लास्ट में जाके खोरेश रोड पे मिल जाएगा। इधर मेरे साइड में बस्ते लगाते हैं, बस्ते बोलते हैं टेबल, टेबल के ऊपर लगा के बेचते हैं ये लोग। अभी यहां से अगर मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा तो अमीर प्रिंस अमीर बंदर रोड आएगा, और इसके पास में अलबेग भी है। चलिए आज मैं बताता हूं आपको कि जब मैं आया था स्टार्टिंग के 6 महीने, मेरे ख्याल से डेढ़ साल में जिस मकान में हम जिस रूम में मकान में रहा था, आज वो भी बताता हूं आप लोगों को। ये सामने जो जा रहा है पानी का टैंकर है, जिसके वहां पे पानी खत्म हो जाता है तो इनको फोन लगाते हैं, ये पूरा टैंकर डाल के जाते हैं, 200 या 250 रियाल लेते हैं। अब इंडिया के बन गए कितने, 4-5 हजार रुपए का पानी है वो एक टैंकर। अभी यहां से हम यू टर्न मार के आज मैं आपको वो घर बताता हूँ जहां पे मैं रहता था पहले। मैं क्या रहता था, मैं जहाँ जॉब करता था, अभी इन्होंने मकान बेच दिया है, अभी दूसरी जगह चले गए। ये आगे जाने के बाद रियाद मॉल पड़ेगा, यानी अगला इशारा है जो उसको छोड़ के बाद वाले इशारे पे, सेकंड इशारे पे रियाद मॉल पड़ेगा, और फोर्थ इशारे के ऊपर खुरैश रोड आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम इसलिए चल रहे हैं कि इंडिया से एक दोस्त आया हुआ है जो मेरे रूम के सामने रहता था, वो कोरोना के पहले गया था, कोरोना के टाइम गया था, अभी मेरे ख्याल से 16 या 17 महीने में वापस आया वो इधर। अभी वो कैसे आया, क्या करके आया, ये तो उसी की जबानी मालूम पड़ेगी हमको। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ, अगर वो रूम पे होगा, ड्यूटी नहीं गया होगा, तो मैं आज आपको उससे मिलवाता हूँ, बात करवाता हूँ, कैसे आया, कितना पैसा लगा, सब बताएगा वो। गाड़ी तो खड़ी हुई है, अब वो है कि नहीं है अल्लाह वालम। ये वाले घर में रहता था मैं। ये है मेरे दोस्त का रूम, जिम का। अजीम आल, अस्सलाम वालेकुम, ये है अजीम साहब, ये इंडिया से आए हैं,
बड़े बड़े आदमी हो गए ये, नहा धो के बाहर निकले देखो। तेरा इंडिया सा अजीम भाई, बात तो सही करता हूँ अजीम भाई। कैसा रहा इंडिया का सफर? इंडिया में एकदम मस्त मजेदार। सऊदी आने का मन नहीं था, फिर भी आ गए, क्या करे गरीबी में, बाल बांध के बात सही करके आ गए। ये है अजीम भाई का रूम हमारे, आपको बताता हूँ अजीम भाई का रूम। भाई ड्राइवरों का रूम ऐसे ही मिलता है रियाद के अंदर। देखो माशाल्लाह अजीम भाई को नए तकिए, नए कंबल, ये पानी की बोतल है ना जो 6 रियाल के लेके आते हैं हम लोग पीने के लिए। अजीम भाई की प्रेस भी, ओवन भी रखा हुआ है, और ये छोटे छोटे बच्चों के फोटो बेचना है, ये इनका कचरा मोबाइल रखा हुआ है, कचरा मत बोलना उसको। ये देखो भाई, ये अजीम भाई का रूम है और ये बाथरूम है। एक ड्राइवर का रूम ऐसे ही रहता है मेरे भाई, एक नंबर। अभी जहाँ मैं रहता था वो बताता हूँ आपको। आओ अजीम भाई, खाओ थोड़ा। ये सामने जो मकान दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं रहता था। वो जो डोर दिख रहा है काला वाला, अभी इसको बेच दिया है, अभी पता नहीं कौन है इसके अंदर, नहीं मालूम। ये हैं हमारे अजीम भाई, और ये गए थे इंडिया कितने महीने में? 17-18 महीने में, 15 महीने में आया अजीम भाई इंडिया में मजे लेके, शादी करके माशाल्लाह बेटी के बाप बन गए। मुबारक हो, आप लोग भी मुबारकबाद दे दीजिए। अजीम भाई कैसे आए वहाँ से, कितने पैसे लगे? 1,10,000। 1,10,000। तो इंडिया से PCR करवाना पड़ा क्या? हाँ, इंडिया में PCR एयरपोर्ट पे, उसके बाद फिर दुबई में आओ, दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन, वहाँ पे PCR, उसके बाद फिर सऊदी। तो क्वारंटाइन दुबई में 14 दिन थे? 14 दिन। 14 दिन में कितने खाना वाना सब वो देते हैं? सब खाना वाना सब उसका। अच्छा, और एयर टिकट वगैरह सब कुछ है ना, पूरी फैसिलिटी उनके 1,10,000 में सब PCR। अच्छा, वो जो टीका लगवाया था उसका देखा कुछ उन्होंने? नहीं, वो सब नहीं देखा था। वहाँ से इंडिया से 2 टीके लगवा के आए थे? हाँ, बस वो PCR चेक किया, उसी में सब था। अच्छा, उसी में था, वहाँ से सब एजेंट ने बना के दिया था? हाँ, सब एजेंट बना के दिया था उसी 1,10,000 में। तो हमारे अजीम भाई 1,10,000 रुपये में आए हैं दुबई होते हुए। दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन थे, 14 दिन के बाद अभी सऊदी अरब डायरेक्ट आए हैं। तो अजीम भाई से मिल लिया आपने, अजीम भाई का रूम भी देख लिया। अजीम भाई को मुबारकबाद देते ना बेटी की। चलिए फिर मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह। अजीम भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेसलाम। तो ये थे हमारे अजीम भाई जो इंडिया से आए थे, आपसे मुलाकात करवाई, उनका रूम बताया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आ गया, मिलने आया था मैं उससे। तो यहाँ पे रहता था मैं पहले, आपको इंडिया से आए हुए आदमी से मिलवा दिया, बता भी दिया कितने पैसे लगे। यहाँ पे रहता था मैं पहले, और यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाजें इस मस्जिद के अंदर पढ़ता था मैं। अभी सिर्फ यादें रह गई हैं, ये लोग मकान बेच के उधर चले गए किराए से, अभी वहाँ से भी खाली करके जब खुद का मकान खरीदेंगे तब और कहीं जाएंगे, और कहीं का भी वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग बस इतना ही था, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज अभी छुट्टी हो गई 10 दिन की इनकी, अभी क्या ठंड चालू हो गई ना, ठंड की इनकी स्कूल कॉलेज की अभी सब छुट्टी हो गई, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं है आज। सिर्फ एक जो जॉब पे जाती है उसको छोड़ के आया, कॉलेज वाली गई नहीं आज, इस वजह से इससे मिल लिया, अभी जा रहा हूँ रूम पे। तो चलिए, दुआ में याद रखिएगा,
और अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।